वार्म वेलकम टू टेक्नो ब्रेन्स गाइस। आज मैं आपके लिए ले आया हूं कि आप अपने मोबाइल में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। HTML, CSS एंड सो ऑन, सारी लैंग्वेजेस आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। यस, तो आप जल्दी से दिल थाम के बैठ जाइए और रजाई में घुस के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। तो आप अपने मोबाइल में कोडिंग करिए और मजे लीजिए। बट गाइस, आप इसे प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि जब आप अच्छे प्रोग्रामर बनते हो, अच्छे कोडर बनते हो, जब आप जॉब करने लगते हो, तो आपको वहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप अनफेमिलियर रहते हो और उसकी वजह से आप और लोगों से स्टेप बैक आ जाते हो। तो वो चीज अच्छी नहीं है, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे लवर्स किसी चीज से स्टेप बैक है। स्टेप अहेड होना चाहिए, राइट? स्टेप अहेड, तो एक कदम आगे होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस मोबाइल एप्स का, इस कोडिंग एप्स का सिर्फ कैजुअली यूज करें, लर्निंग पर्पज से और स्किल्स इंप्रूव करने के पर्पज से करें, इसे प्रोफेशनली यूज ना करें। सो गाइस, रुको रुको रुको, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए अंडर 30,000 and 50,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा, तो मेरे टेक चैनल पे नेक्स्ट मंथ 2 वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल लैपटॉप कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको चैनल पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं और जरूर जाके देखेंगे, अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, जाके देखिएगा। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ बेस्ट एप्स जिससे कि आप अपने मोबाइल पे कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ऐप आ जाती है SPC की कोडिनेटर, और उसके बाद आता है डीकोडर, एंड उसके बाद आता है मास्टर कोडर, और उसके बाद आता है कोड एडिटर। सो गाइस, ये कुछ अच्छी एप्स हैं जो कि मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपको बहुत सारी एप्स प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। सो गाइस, इसमें से मैं पहली ऐप लेता हूं जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी, और उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाता हूं कि वो कैसे काम करती है। तो गाइस, लुक एट दिस, कि मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैं यहां पे प्ले स्टोर ओपन करता हूं और यहां पे लिखता हूं SPCK कोड एडिटर। लुक एट दिस, कि आपको सजेशन में दे देता है ये, और यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, इसे यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे। सो लुक एट दिस, कि यहाँ पे आपका होम पेज खुल चुका है इस ऐप का। यहाँ पे ड्वार्फ्स और लर्न डिस्क, मशीन लर्निंग जो पाइथन पे होती है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज है, डार्क रूम JS, फैब्रिक ब्रश। सो गाइस, लेफ्ट अप साइड में आपको जो टॉगल बटन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट के सबसे लास्ट में प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चार चीजें दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका न्यू प्रोजेक्ट है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके पास ये देखिए कौन सा फ्रेमवर्क आप करना चाहते हैं, यानी कि JS फ्रेमवर्क करना चाहते हैं, CSS का फ्रेमवर्क करना चाहते हैं, PHP का फ्रेमवर्क करना चाहते हैं, Python का फ्रेमवर्क करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे HTML, आपको दिख रहा है यहाँ पे HTML, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ HTML, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम डाल देता हूँ, टेक्नो ब्रेन। तो गाइज, आप स्टोरेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, की आपकी फाइल कहाँ जानी। और यहाँ पे गाइज क्रिएट कर देते हैं। तो गाइज, क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके अंदर तीनों फाइल आ चुकी है, HTML की, main.js, style.css। तो गाइज, अभी हम JS तो कर नहीं रहे, तो इसको मैं यहाँ से जो तीन डॉट्स है यहाँ से इसे डिलीट करूंगा, डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो गाइज ये देखिए फाइल डिलीट हो चुकी है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी इंडेक्स HTML बैकग्राउंड में खुल चुकी है। मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करूंगा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे HTML कोडिंग आ चुकी है। तो गाइस, अभी हमें मेटा टैग की कोई नीड नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके मेटा टैग को हटा देते हैं, और मैं यहाँ से इसे यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ मैं कमेंट, और गाइस यहाँ से मैं स्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर HTML का डॉक्यूमेंट बन चुका है, HTML की फाइल बन चुकी है। सो गाइस, अब इसे यूज करते हैं, कुछ टैग्स लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टैग, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पी आ रहा है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ पी को, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। लुक एट दिस। सो गाइस, ये एक सबसे अच्छी चीज है, देखिए अब मैंने पी टैग लिखा, तो इसका जो क्लोजिंग टैग है वो अपने आप आ चुका है। दिस इज इंटरेस्टिंग, बिल्कुल VS कोड की तरह काम कर रहा है, सब लाइन की तरह काम कर रहा है। और गाइस, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, मैं अपने टेक चैनल का नाम डालता हूँ, टेक्नोक्रेट यूनाइटेड। तो गाइस, अभी हम HTML कोडिंग कर चुके हैं और इसमें एक टैग भी लगा चुके हैं, तो इसे रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करना है गाइस, आपको राइट टॉप में आपको दो आइकन्स दिख रहे होंगे, एक सर्च का और एक प्ले का, ग्रीन कलर का। ग्रीन वाला जो बटन है प्ले का, उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगा, देखिए आप लिखा रहा है टेक्नोक्रेट यूनाइटेड। सो गाइस, बैक जाते हैं और भी देखते हैं, और भी टैग यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यूज करूंगा इसमें मार्क्यू टैग, देखिए मार्क्यू टैग, और इसमें लिखूंगा मैं। तो गाइस, अब मैं इसमें लिख चुका हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ऑल पे कर लीजिएगा। सो गाइस, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि मार्क्यू टैग यूज हो रहा है या नहीं। प्ले करता हूँ, लुक एट दिस, टेक्नोक्रेट यूनाइटेड, सब्सक्राइब माय चैनल, ऊपर पी टैग लगा रखा है, नीचे मार्क्यू टैग लगा रखा है। तो गाइस, इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अब इसकी CSS करते हैं। तो CSS करने के लिए क्या होगा, जहां पे index.html आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको style.css की फाइल दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बॉडी में अपने आप आ चुका है कि भाई उसका जो फॉन्ट साइज है, हमने 15 PT रख रखा है। तो गाइस, हमने एक पी टैग लगा रखा है, एक मार्क्यू टैग लगा रखा है। तो अभी हम
एलिमेंट सेलेक्टर यूज करते हैं, पी टैग में यहाँ पे लेता हूँ और यस पी लेना है मुझे, और मैं ब्रेसेस ओपन करता हूँ इसके राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, ठीक है कलर लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड राइट, और ये लगा दिया मैंने सेमी कॉलम राइट। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं गाइस कैसा है, रन करके देखते हैं। तो लुक एट दिस कि टेक्नोक्रेट यूनाइटेड रेड आ रहा है। गाइस बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद इसमें मार्क्यू में देखते हैं मार्क्यू कैसे करेंगे। मैं एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ, अगर आपने सीएसएस पढ़ी है तो एलिमेंट सेलेक्टर का आप जानते होंगे। इसमें मैं करता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं आप और बाकी बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन लिख दिया है और यहाँ पे मैं कलर लिखता हूँ तो अब इसे रन करके देखते हैं गाइस तो कैसे दिख रहा है। तो गाइस लुक एट दिस राइट। तो आप इस तरीके से अपने फोन में कोडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट में आपको देखो मेरा फोल्डर दिख रहा है टेक्नोब्रेंस का, उसके अंदर आपको दो फाइल्स दिख रही है index.html एंड style.css। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल ऐड करनी है यानी कि और लगानी है js की या कुछ और css लगानी, कुछ और html पेज ऐड करने, तो यहाँ पे अगेन आप प्लस करके यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई पहले से फाइल है यानी कि आपके फ्रेंड ने बना रखी है या आपने कहीं पे बना रखी है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं अपलोड फाइल, यहाँ पे फाइल अपलोड करके आप उसे रन कर सकते हैं और आप अंदर न्यू फाइल भी यानी कि न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था इस ऐप के अंदर। और गाइस अगर हम जाए देखिए कोई फाइल आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और गाइस अगर इसकी बात करें सेटिंग्स की, जो कि मेन चीज है, जो कि मेन हाईलाइट है जिसकी वजह से मैंने ये पिकअप करी है ऐप कोडिंग के लिए, इसकी सेटिंग्स करते हैं देखते हैं। सो गाइस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, भाई क्रेडेंशियल्स आपने ओपन कर रखे हैं नो इश्यूज। अपीयरेंस में आपको एनिमेशन मिल जाती है, एनिमेशन आप ऑफ मत कीजिएगा वरना जो साइड बार है वो वर्क नहीं करेगा। सो गाइस लैंग्वेज आपको कोई सी भी मिल जाती है, देखिए इंग्लिश में मैंने क्लिक करा तो लुक एट दिस कि आपको इंडोनेशिया वगैरह वगैरह आप इस लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। थीम गाइस यहाँ पे है ड्रैकुला, आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं, डार्क लाइट, जैसे मैं अगर मैं क्रोम कर देता हूँ तो लुक एट दिस कि ये पूरा क्रोम में हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं लाइट यूज करूंगा, मुझे लाइट पसंद है तो मैं यहाँ पे ड्रैकुला यूज करूंगा। अच्छा भाई ड्रैकुला का नाम तो डर लग रहा है मेरे को ठीक है। एवरेज डिस्प्ले, एवरेज डिस्प्ले अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो आपको जो डिस्प्ले है और भी देखिए कितनी तरीके से, ओ माय गॉड, मतलब कैसा कलरफुल हो चुका है, डार्क को और डार्क कर दिया, कलर को और कलर कर दिया। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं एडिटर के अंदर। सो गाइस एडिटर में आ जाता है पहला ऑटो कंप्लीट एंड चेक सिंटेक्स, ये मैंने ऑन कर रखा है गाइस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं कोडिंग कर रहा था तो मैं जो भी सिंटेक्स या जो भी टैग लिख रहा था तो वो ऑटो कंप्लीट उसका क्लोजिंग टैग आ रहा था। तो गाइस ये बहुत काम की चीज है, ऑटो कंप्लीट चेक सिंटेक्स इसे ऑन रखिएगा आप। उसके बाद कर्सर स्टाइल आप देख रहे हैं डिफॉल्ट है, ठीक है, नो ब्लिंक स्लिम जो भी आप यूज करना चाहें। उसके बाद आता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है कितना नहीं रखना है राइट। उसके बाद फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट आप बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ डाउनलोड के लिए भी आपको दिखा रहा है, देखिए कि जो सा आपको पसंद है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं राइट। उसके बाद की बाइंडिंग्स, जैसे कि सबलाइन है, वीएस कोड है जो कि मैं यूज करता हूँ, वीएस कोड मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसकी तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट मार्जिन की आपको लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन लेना है, मतलब जो कि आपको प्रिंट दिखाना है, ठीक है, आउटपुट जो दिखाना है उस चीज के लिए। शो इनविंसिबल, यूज सॉफ्ट है, मतलब बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगेन ओरिएंटेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आउटपुट आपको ओरिएंटेड लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के लिए आपको मिल जाता है। कंसोल भी है। उसके बाद टैबलेट मोड, ठीक है, टैबलेट मोड में क्या होता है कि आपको थोड़ा प्रिसाइज करके दिखाएगा, अच्छा चीज दिखाएगा प्रिसाइज करके दिखाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं। ये ऐप मैंने इसीलिए चूज करी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपको बहुत रिलायबल है, इजी टू यूज है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और हाँ अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस।